नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हो। और मैं आ रखी हूँ अपने मायके यानी कोड़दार मोटा डांग। ये है दोस्तों कद्दू की बेल, ढेर सारे कद्दू लगे हैं। ये कद्दू ये भी है, देखिए। और इधर भी लगा था कोई, एक ये भी है दोस्तों, ये देखो ये भी है। और उधर पेड़ पर भी लगे हैं, ये भी ये भी है। अब ठीक से गाय हैं, ठीक है, घास खा रही है। ये भी कद्दू की बेल है दोस्तों, इसके अंदर भी कद्दू लगे हैं। ये हैं भुट्टे, ये मेरे भाई ने सारा सोयाबीन बो रखा है, इधर पूरे खेत में सोयाबीन ही सोयाबीन। ये और यहाँ पे आलू लगा दिए। और ये सब 5 बजे उठ गए थे और मैं 6 बजे उठी हूँ दोस्तों। मैं आ रखी हूँ छत में, थोड़ा मैं इनका घूमूंगी, थोड़ा आपको भी सुबह सुबह का नज़ारा दिखा दे मोटे डांग का। ये देखो ये भी कद्दू की बेल है, वो अदरक है, ये बैंगन का पेड़ है इतना बड़ा। देखो दोस्तों मौसम हो रखा है ख़राब, बारिश आ रही है। ये पूरे धान है और वहाँ पे ऊपर मंडुआ की खेती है, मंडुआ भी लगा रखा है। ये धान है, ये उड़द, ये उड़दों में बहुत घास हो रखा है। उड़द की दाल, माँ की दाल, उड़द की दाल, ये सारी उड़द की दाल है दोस्तों। ये हमारा पहाड़ है पूरा, ये जंगल है इधर, ये पूरा जंगल है। यहाँ से जिम कॉर्पोरेट है कि क्या है, जिम कॉर्पोरेट भी जा सकते हो यहाँ से, मम्मी के यहाँ से इधर रोड है, रास्ता है, जा सकते हो। ये कद्दू के फूल, इनकी पकोड़े बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा बारिश बंद हो जाए तब तोड़ेंगे। अरे वो लौकी लगी है उधर भी, अरे पेड़ पर भी। और ये है दोस्तों एक बया पक्षी होता है, बहुत सुंदर, बहुत चतुर चालाक। देखो इसने अभी यहाँ पे 20 दिन से घोंसला बनाना शुरू करा है। इसमें कितने सारे घोंसले हैं, 9-10। ये घोंसले भी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, अगर कोई घोंसले में बच्चा नहीं है, अंडे नहीं है, उसको तुम एक ला के या नीचे गिर गया अपने घर में रख सकते हो, वास्तु दोस्त और बहुत सारी चीज़ दूर होती हैं। और बहुत शुभ माना जाता है इसके घोंसले को अपने घर में रखने से। देखो ये हमारे घर के सामने अभी उसने 1 हफ्ता पहले ही बनाने शुरू करे, कल मैंने भी शॉर्ट वीडियो में भी दिखाए थे। ये सारे तिल हैं दोस्तों, ये तिल हैं, ये सारे तिल हैं इधर। इधर भी गाय बच्ची हैं, दूध दूध निकाल लिया गाय का भाई ने। और ये कद्दू के फूल भी लग रहे हैं अभी दोस्तों, खिले हुए हैं। अब बारिश हो रही है, देखो दोस्तों ये सुबह से ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखो ये बारिश में भी ये काम कर रहे हैं। जब से मैं आई हूँ कल से इन्होंने 2-3 घोंसले बना दिए। देखो अभी भी बारिश आ रही है हल्की हल्की, तो फिर भी घोंसले बना रहे हैं। देखो दोस्तों
दूध दूध निकाल दिया गाय का भाई ने, और दूध वाला आ गया, उसको सारा दूध दे दिया, अपने लिए रख दिया बस 2-2.5 किलो गाय का दूध। इस गाय ने कल मेरे को सींग मारा था दोस्तों, ऐसे जा रही थी मैं, इसने सींग मारा, ये घबरा गई ना, मैं थोड़ा सा ऐसे वो कैमरा लेके गई, ऐसे मारती नहीं है। एक गाय हो रही दोस्तों उधर, मगर उसकी तबीयत खराब हो रखी है। खाना खा लिया? खाना खा लिया? खाना खा लिया? खाना खा लिया? हैं, आप नहीं मारते ना गाय? गौ माता की जय हो। सुबह सुबह जिस घर में गाय हो, दुख दलद ऐसे ही दूर होता है। वहाँ पे है कद्दू की बेल, देखो दोस्तों ये है सारा, ये तिल है, तिल तिल है, ये है दोस्तों छोटे छोटे कद्दू बहुत सारे लगे हुए हैं, इसको मैं काटूंगी अभी, तोड़ूंगी और फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। और ये है ना जो कद्दू, इनके आगे का ये तोड़ के छील के और फिर बनाएंगे दोस्तों। ये देखो छोटा छोटा कद्दू लग रहे हैं इसमें, ये कद्दू लग रहा है इसमें, और देखो कितने बड़े बड़े कद्दू के फूल है, देखो इनके दोस्तों पकोड़े बनाएंगे। थोड़ा चावल का आटा, थोड़ा बेसन, थोड़ा सा लहसुन और नमक मिर्च लगा के इनके पकोड़े शानदार बनते हैं। खाए तो मैंने कभी नहीं है दोस्तों, बनाए नहीं है, अब बनाऊंगी। ये खिले हुए हैं दोस्तों सुबह सुबह, देखिए देखो तोरी का फूल दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर। अरे कद्दू का, कद्दू का फूल भी सुंदर लग रहा है, ये सब इनमें कद्दू लग रहे हैं दोस्तों, छोटे 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 बहुत सारे कद्दू लग रहे हैं। देखो हम तो इनके आगे के तोड़ते हैं ना जो टूक, ये इनकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत हेल्दी होती है। और ये देखो इसमें छोटे छोटे लगे हैं दोस्तों, और यहाँ भी लगी है, ये देखो इसमें भी लगा हुआ है, इनको छील के और इनकी सब्जी स्वादिष्ट होती है। इधर तो थोड़ा सा खराब हो गए, ये देखो ये, हाँ बो नमस्कार, ठीक छाओ? ये हमारी भाभी जी है, ये हमारी भाभी जी है, देखो इतनी अच्छी है, मेरे को कल छाछ भी दे गए, अरे देखो गाय है उनकी, हाँ तुम भी है क्या? हाथ मिला लोग वो तो चल गया, अच्छा चल गया, हाँ पापा कुछ ना श्राद्ध आज तो चल गया बा, अच्छा। हाँ तो फिर टाइम भी लोग जान मा बो, हाँ दूर, और फिर बरखा भी होनी, हाँ ये सारे तिल है, ये सारे भाई के तिल है, इधर बोरो के देखो, ये सफेद तिल है, ये भाई गाय के लिए चारा बना रहा है, ये बहुत होशियार है। सूरज क्या बना रहे हो गाय के लिए? गाय के बना रहे हैं चारा, अभी नहीं दिया इनको? नहीं। अच्छा तो फल मतलब दूध तो निकाले ना? हाँ दूध निकाल लिया। अच्छा चल तो बनाते, चल गया तेरे पापा तेर माता छूना? हाँ पापा चले गए। अच्छा अच्छा चल तो बनाते हैं, अब पढ़ाई भी करता है, सब काम में हेल्प करता है गाय का, सबसे ज़्यादा काम करता है। सूरज देखो कितना लंबा हो गया, और टूर्नामेंट क्या जीता? हाँ सब जीत रहे हैं आजकल तुम, बढ़िया कर रहे हो खेल में लगा। कौन सा गेम खेलते हो? क्रिकेट? वॉलीबॉल। अच्छा वॉलीबॉल पसंद है ना तेरे को? हाँ चलो बढ़िया है, अच्छा अच्छा। अभी गण होता भीतर कैन बांधन? अच्छा तो यून पर खाल थी नहीं रहा? वो ठीक छो जो बीमार छो गौर? अच्छा कद्दू ये भी लगाया दोस्तों, ये देखो, और एक कद्दू ये लगाया, ये देखो एक कद्दू ये चू लगी,
पता नहीं टूट टूट जी की हो कि इतना वजन हो रहा है इसका। ये मैं लाऊंगी दिल्ली, मैं ले जाऊंगी, मेरे ले रखे हैं मेरे भाई ने। और ये भी श्वेता, हाय कर दो। श्वेता भी उठ गई। और ये कद्दू, ये चले गए दगड़ियो दिया का बीमा। कद्दू ही कद्दू छुनो, ए कद्दू को भी लगी हुआ ऐच लगी हूँ बुझड़ा पुटू छुपी हूँ। और छोट छोट कद्दू तो बिंडी लगी चल यहाँ, यही छोट छोट बहुत लगे हैं। इनका टूक तोड़ेंगे ना सूरज, इनकी भुज्जी बनाएंगे। सुबह सुबह यहाँ 5 बजे से सब उठ जाते हैं, अपना काम काज करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम भी पहले ऐसे करते थे जब हम छोटे थे। गाय का गोबर निकालना, दूध निकालना, खेतों में गोबर डालना, हमने बहुत काम कर रखा है। ये दोस्तों भांग, इस भांग के पकोड़े बनते हैं, हरे पत्ते और बेसन में मिला के बहुत बढ़िया कुरकुरी पकोड़े बनते हैं। थोड़ा चावल का आटा भी मिला दो और कुरकुरे सुंदर स्वादिष्ट। इससे नशा नहीं होता पत्तों से, इसकी जो जरा सी अभी इस पर वो आ जाएंगे ना भांग के दाने मूंद होते हैं वो बन जाते हैं, उससे होता है वरना सा, इस पत्तों से नहीं होता। ये देखो दोस्तों कितना प्यारा फूल खिल रहा है, देखो देखो सूरज को देखो, सूरज इतना काम करता है घर। नमस्कार कर दो मेरी YouTube फैमिली को नमस्कार, बहुत बहुत मेरी दीदी के चैनल को बोल सब्सक्राइब करो, दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो। गौर कांचा ठीक नीचे अब रोटी करा खड़ी जाने की गौड़ा को। अच्छा अब पीजे इनको गौड़ पीजे दूध दिया, दूध दिए तू दिए कि दूध दिया है, दूध दिया है। अच्छा कतो किलो दूध दिया, दूध दिया 15 किलो दूध ना। हाँ चलो ठीक है, तो वो एक दवे वो एक और है ठीक है।